हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज उनका मूड अभी इस समय कैसा है। फुल फोकस करेंगे उनका मूड कैसा है अभी इस समय, ठीक। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा और कैंडल वैक्स रीडिंग ना करके हम आज करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग से हमें बहुत हद तक, ऐसे तो कैंडल वैक्स पूरी तरीके से क्लियर कर देता है, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग की एक अलग ही बात है। जो लोग बहुत ज़्यादा लोग टैरो कार्ड रीडिंग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद करते हैं, तो दोनों ही लेकर के मैं आती रहूँगी आप तक। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मैं उनकी एनर्जी को नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता है, मुझे वो लोग कैसे हैं क्या है मुझे कुछ नहीं पता है। तो अगर आप चाहते हो कि जनरल रीडिंग में आपकी पर्सनल रीडिंग जैसी हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों की एनर्जीज को मैं पिक करूं, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वो लोग तो एकदम नो डाउट उनकी एनर्जी यहाँ पर आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी को ले पाऊँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रूही क्रिस्टल वर्ल्ड के नाम से है, 777 टैरो विथ रूही के नाम से मेरी आईडी है। तो आप लोग चेक ज़रूर कीजिए, वहाँ पे भी मैं वीडियोज़ और कुछ भी अपडेट जो भी है वो डालती रहती हूँ। तो अगर आप लोग जो है मुझे वहाँ पे फॉलो करेंगे तो कुछ जान पाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड करें उनके लिए, उनके पर्सन का मूड अभी इस समय कैसा है। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग में आप लोग मुझसे कुंडली रीडिंग भी ले सकते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट रीडिंग होती है, और उसमें आपको पीडीएफ फाइल भी दिया जाता है, ठीक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके, मूड कैसा है जनाब का? ओके, ओके। आपने मुझे जहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आपने कोई आज कोई रोमांटिक सी पिक्चर देखी है या कोई सीरीज देखी है, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों की वाइब्स आ रही हैं, और आप विजुअलाइज कर रहे हो अपने पार्टनर को उसी पिक्चर में, उसी सीरीज में, कि ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। बट आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपका माइंड बार बार जा रहा है। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखो आपके पार्टनर का मूड अभी इस समय कैसा है, बात हम इस टॉपिक पे हमारा चल रहा है रीडिंग। तो टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी, यानी कि आपके पार्टनर का माइंड अभी फ़िलहाल स्ट्रेस में है। ये पर्सन अभी बर्डन में है, ये बर्डन किसी भी प्रकार का हो सकता है, फैमिली में इनकी कुछ कहा सुनी हो गई होगी, इनके करियर को लेकर के, इनको जॉब को लेकर के, या फिर ये पर्सन कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से घर में बैठे हैं, तो इनकी फैमिली इनको बोलती भी होगी कि ये तुम बाहर नहीं जाते, तुम कमाते नहीं हो, ऐसे बैठने से थोड़ी होगा, कौन तुम्हारा खर्चा चलाएगा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, स्टडी के लिए भी ये पर्सन को भेजा जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन स्टडी करते होंगे तो उनको भेजा भी जा रहा है, कुछ लोगों को के पर्सन जॉब करते होंगे या फिर बिजनेस करते होंगे, तो ये पर्सन कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस जगह पे हैं अपनी फैमिली में ही है, तो इनकी फैमिली से इनकी बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और इस परेशानी से निकलने के लिए इनको कुछ वक्त चाहिए, इनको अपना टाइम
प्राइवेट टाइम चाहिए, और प्राइवेट टाइम के लिए ये पर्सन थोड़ा सा, ये पर्सन प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन अगर थोड़ा सा लाइफ में आगे पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ स्ट्रेस जो इनके ऊपर है वो ख़त्म होगा, ये स्ट्रेस जो है ना ये कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा, ख़त्म होगा, तब जाके कुछ आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी, बन पाएंगी, ठीक है। चलिए किंग ऑफ कप्स डेथ का कार्ड, थ्री ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है टावर का कार्ड, यहाँ है मेरे पास एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड चैरियट की एनर्जी। ओके, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पे एक, देखो आपके पार्टनर का मूड अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का मूड अभी जैसा कि मैंने कहा कि परेशान चल रहे हैं। देखो टावर का कार्ड आया है, टावर का कार्ड भी बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी परेशानी चल रही है। परेशानी की वजह यहाँ पे सेपरेशन है, जिस तरीके से सेपरेशन हुआ है, ये अचानक से हुआ है या फिर किसी और कारण से हुआ है, ये सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, एक ऐसी थिंकिंग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का मन काफ़ी हल्का हो जाता है जब भी ये पर्सन आपसे बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही बातें करते हैं बट इनका मन हल्का हो जाता है। अभी इनका मूड कैसा है, तो अभी ये पर्सन डीपली थिंकिंग में गए हुए हैं, डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, डीप इमोशंस हैं इनके, डीप फीलिंग्स हैं, डीप सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे डीप इनकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन और आपके बीच मुझे एक ऐसा दिख रहा है कि इनका जो मूड है, देखो ये पर्सन मूड का बड़ा, मतलब कि इनका मूड बड़ा पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन पल भर में कहेंगे हाँ हाँ चलो ये करते हैं वो करते हैं, फिर पल भर में ये पर्सन बदल भी जाएंगे, इनकी ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा एक अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ ख़त्म होकर यहाँ से कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ ख़त्म होकर के कुछ बहुत बेहतरीन स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पे एक जो जो एक एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो एक लॉक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि लॉक हो गई है कुछ चीज़ें जो है ना आप दोनों के बीच में अभी तक मिस्टीरियस बनी हुई है, और वो चीज़ें आपके पार्टनर को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। इनका मूड कैसा है, इनका मूड अभी फ़िलहाल में देखूँ तो इनका मूड अभी, ये पर्सन अपने मूड को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा तू भाग मत, तू यहीं पे रह, तू इधर उधर भागेगा तुझे मिलना कुछ है नहीं, तू बेकार में अपना इधर उधर टाइम वेस्ट करेगा, तू इधर उधर जाएगा तो मत जा मत जा, इधर उधर मत जा, तू कंट्रोल रह, जहाँ कहा जा रहा है वहीं पे खड़ा रहे। तो ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अपने मूड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मूड अभी फ़िलहाल आपसे बात करने का है, क्योंकि यहाँ पे जो है चैरियट की एनर्जी बता रही है कि आपके लिए एक्शन लेने का मूड कर रहा है इनका। इनका मूड हो चुका है अब कि एक्शन लो भाई, एक्शन लो, अब बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। अब बैलेंस नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, इंतज़ार तो बहुत कर लिया आप दोनों ने, एक दूसरे का इंतज़ार बहुत कर लिया, और आप दोनों के बीच में इस इंतज़ार में फासले भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, दूरी भी काफ़ी हद तक आ चुकी है, और ये दूरियां जो हैं ये कम नहीं हैं, ये दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा।
आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर मुझे कहीं हद तक एक जो होता ना कि आगे का रिलेशनशिप या आगे का फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, है ना, ये डिसाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे कि होता है ना कि अब कितना इंतज़ार किया जाए, अब इंतज़ार करके ही जीवन थोड़ी ख़राब करना है अपना। अगर सिर्फ इंतज़ार ही किया जाए तब तो हुई ज़िंदगी, कहीं का नहीं रहेंगे हम, है ना। तो ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स मैं निकालूंगी कि ये पर्सन अब आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, आगे क्या करने वाले हैं ये, इसके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके पार्टनर के लिए, आगे क्या करने वाले हैं ये पर्सन। इस पर्सन का मुझे वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं, ऐसा जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में गए, बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही खूबसूरत सी वहाँ पे आप दोनों के साथ एक जो होता है ना कि प्राइवेट टाइम स्पेंड करना। तो ये पर्सन की एनर्जी है ना, द हर्मिट की एनर्जी है। आगे क्या करने वाले हैं ये पर्सन, तो द हर्मिट की एनर्जी। ओके, द स्टार, ओके, टू ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, थ्री ऑफ वैंड्स। तो आगे ये क्या करने वाले हैं, आगे ये करने ये वाले हैं कि अब आप दोनों के बीच में जो इंतज़ार चल रहा है, जिस तरीके का इंतज़ार चला है, जिस तरीके की एनर्जी आई है यहाँ पे, देखो आप दोनों के बीच में इंतज़ार, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं वो इंतज़ार जो है ना, वो इंतज़ार मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हुआ इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों क्रॉस रोड पे, मतलब कि आपके जो पार्टनर जिस तरीके से क्रॉस रोड पे खड़े थे या खड़े हैं, अब ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहेंगे। ठीक है, अब ये अपने रिलेशनशिप को लेकर के पूरी तरीके से तैयार रहेंगे कि अब इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को धीरे 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 करके क्लैरिटी आ जाएगी और आप दोनों का जो रिश्ता है ये कहीं हद तक जो एक स्ट्रेस वाला था, या आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी और उसके वजह से आपके पार्टनर आपके लिए जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे या आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं वो जस्टिस देने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस भी देंगे, अब आपके साथ पूरी लाइफ इंजॉय भी करेंगे, अब आपके साथ एक जो होता है ना कि बैलेंस बनाना है ना, अब इस पर्सन को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इनको बैलेंस कैसे बनाना है आपके साथ रिलेशनशिप को करना कैसे सही है, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत टाइम देख लिया है, बहुत टाइम करना, मतलब कि बहुत टाइम तक अपने रिश्ते को एक जो होता है ना कि अपने रिश्ते को लेकर के बहुत इन्होंने सोचा है, समझा है, बहुत कुछ कर लिया, अब टाइम है करने का। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे होप आपकी तोड़नी नहीं है इस पर्सन को, आप एक होपफुल रिलेशनशिप में हो, आपने होप रखी है। ठीक है, आपने होप रखी है और आपकी जो होप है वो ख़त्म ना हो, इसके लिए ये पर्सन हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में हर एक चीज़ सही करने का ये पर्सन ने डिसीज़न लिया है, क्योंकि ये पर्सन अब अकेले नहीं रह पाएंगे, अकेलापन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और फाइनली इस पर्सन ने सोचा है फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी के अनुसार से कि आपके साथ शादी करनी है। ठीक है,
शादी करनी है, यहाँ पे शादी को लेकर के काफ़ी अच्छी एनर्जी है, इनकी फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं कि ये पर्सन फाइनली ये डिसीजन तो लेने वाले हैं ना कि हाँ ये पर्सन शादी करेंगे आपसे, ये पर्सन शादी करके और अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे और सीरियस होकर के इस रिलेशनशिप को एकदम से जो होता ना कि प्रोग्रेस में ले जाना है ना, तो प्रोग्रेस में ये पर्सन ले जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। तो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन का मूड अभी फ़िलहाल अच्छा खासा है, मतलब कि सैड तो है, उदास तो है, बट ठीक है, ये पर्सन जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री, ठीक है। ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे, ठीक। मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी, इसके क्या बेनिफिट हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं, देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं, ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था, आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किसमें बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है, जैसे कि चक्र जो होता है ना उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है, ठीक है, इस पर जो गोल गोल बना हुआ है, ठीक। तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अच्छे धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए, ठीक है। ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है, आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट, ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है, ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है, ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है, और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिज़नेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो जो लोग बिज़नेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा
की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए, ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है, अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना, ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था, जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था, और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये, तो आप ज़रूर लीजिए, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।